लखनऊ के थाना ठाकुरगंज में दबंगों की दबंग गई। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रॉपर्टी डीलर मनीष उर्फ आशीष सिंह राजा की हुई पिटाई। प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई दबंगों की वारदात। पुलिस पर दबंगों से मिली भगत का आरोप। मामला तूल पकड़ने पर आरोपी प्रमोद सिंह गिरफ्तार। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज में दबंगों की दबंग गई। प्रॉपर्टी डीलर मनीष उर्फ आशीष सिंह राजा की हुई पिटाई। इस खबर में हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, पिटाई की वजह और इन दबंगों की दबंग गई के बारे में भी जानकारी चाहेंगे। जी शिखा, आपको बता दें कि थाना ठाकुरगंज इलाके में प्रॉपर्टी डीलरों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें एक प्रॉपर्टी डीलर को जो आरोपी पक्ष है उसकी तरफ से गिरफ्त में लिया जाता है, उसे अपने कब्जे में लेकर और उसकी पिटाई की जाती है। रात भर उसकी पिटाई की जाती है और फिर दबंग जो है वो मनीष जो पीड़ित है उसको छोड़ा जाता है। वहीं आपको बताएं कि जो पिटाई का वीडियो था वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सीसीटीवी के माध्यम से जो पूरा कृत्य था उसको रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद जो ठाकुरगंज पुलिस है वो पूरी तरह से चौक थाना क्षेत्र में जो भी संबंधित लोग थे, जो आरोपी थे, उनको उनमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार जो पुलिस ने अभी प्रमोद सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसको मुख्य अभियुक्त के आरोपी के रूप में गिना जा रहा है। साथ ही साथ जो अन्य लोग थे उन पे भी कार्रवाई की जा रही है और सीसीटीवी माध्यम के हिसाब से लोगों की भी पहचान की जा रही है और जल्द शिखा जो अन्य लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। जी जी, तो कितने बजे की ये घटना बताई जा रही है विभांशु, और किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? जी शिखा, आपको बता दें कि ये मामला 25 मई का है, मगर जो पीड़ित था वो मिली जानकारी के अनुसार थाने जाता है, जिसके बाद देर तमाम दिक्कतों के बाद अब प्रशासन उसके एफआईआर को लिख रहा है और मिली जानकारी के अनुसार जो आरोपी है उनपे 7 धाराओं के साथ उनपे मुकदमा किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर की जा रही है। और शिखा आपको बताएं कि प्रमोद सिंह जो कि इसे पूरे वारदात का मास्टरमाइंड गिना जा रहा था, वो उसपे 7 धाराएं लगाई गई हैं, 145 और 147, 149, 323, 504, 506, 330 के तहत उसे गिरफ्त में लिया गया है। और आगे जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था उसपे जो लोग हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही साथ जो आरोपी को गिरफ्त में लिया गया उससे भी अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द सबकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और जहां उत्तर प्रदेश पुलिस साथ ही साथ लखनऊ पुलिस कानून को स्थापित करने के लिए हर एक प्रयास कर रहा है, उसी कदम में ऐसे आरोपियों को जो पूरी तरह से मनभर तरीके से पीड़ित को अपने कब्जे में लेकर पिटाई करते हैं फिर छोड़ते हैं, ऐसे अपराधियों को जल्द ही पुलिस लगाम लगाने के लिए गिरफ्त में लेकर कार्रवाई करेगी। जी शिखा। जी विभांशु, इस मामले में पुलिस की मिली भगत भी बताई जा रही थी दबंगों से, और क्या इस आरोप के बाद ही पुलिस ने एक्शन लिया है? जी शिखा, आपको बता दें कि अभी ऐसे जो पीड़ित है उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से लापरवाही दिखाई गई, साथ ही साथ जब उन्हें उनके द्वारा बंधक बनाकर पिटाई की जा रही थी तो वो थाने गया तो पुलिस के रवैये से कहीं ना कहीं जो आरोपी है, जो आरोपी पक्ष है उसके पक्ष में दिखवाता, और जो पीड़ित है वो कहीं ना कहीं कमी देख रहा था, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं नाखुश हुआ, जिसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस देर से शुरू करती है। और अगर मीडिया बाइट आते हैं और जो पीड़ित है उसका पूरा बयान सामने आता है फिर हम ये कह सकेंगे कि जो पुलिस है वो इसमें लापरवाही दिखाई है, मगर पीड़ित के जो शब्द है उसके आधार पे अगर कहें, उसके बयान के आधार पे कहें तो पुलिस की तरफ से भारी लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि वारदात के देर बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई का अंजाम दिया गया है। जी शिखा जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।